सब्सक्राइब करिए टुडे स्पोर्ट टिप्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट बिजनेस और टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलवंत ओरा, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टुडे स्पोर्ट टिप्स पे। दोस्तों, बात करने जा रहे हैं कि आप RAS ऑफिसर कैसे बन सकते हैं, कैसे आप करियर जो है बेहतरीन बना सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि RAS होता क्या है। ये होता है राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है, ठीक है, जो ये सिविलियन पोस्ट होती है। जो IAS होता है ना, उसके अलावा जो उसके बाद की जो पोस्ट होती है ना, वो RAS की होती है, ठीक है। ये राजस्थान की जुड़ी हुई बहुत पोस्ट होती है, काफ़ी ज़्यादा ऊंची पोस्ट होती है राजस्थान की, तो ठीक है। इसमें क्या है कि RAS के अंदर काफ़ी ज़्यादा पावर वगैरह होती है, काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर जो है आप चेंजेस ला सकता है ये, तो ये बड़े लेवल की पोस्ट होती है। तो ठीक है, सबसे पहले बताना चाहूँगा कि इसके अंदर RAS के अंदर सैलरी वगैरह भी अच्छी काफ़ी दी जाती है, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा जवाबदारी भी होती है इसके अंदर। क्या है कि काफ़ी ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन सवाल वगैरह पूछे जा सकते हैं, गवर्नमेंट वगैरह इनसे काफ़ी ज़्यादा पूछ सकती है, काफ़ी ज़्यादा जवाबदारी वाला काम होता है, यानी जॉब जुड़ी होती है। उसके बाद दोस्तों बताना चाहूँगा कि RAS की जो भर्तियाँ होती है ना, जो इनकी वैकेंसीज वगैरह है या फिर दोस्तों भर्ती वगैरह है, वो RPSC लेती है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, इनके द्वारा साल में एक बार निकाली जाती है, मतलब ली जाती है, ठीक है। ये काफी जो नियमन चरण होते हैं, जो काफी अलग अलग प्रकार की प्रोसेस होता है, उस हिसाब से ली जाती है, ठीक है, क्योंकि काफी बड़ी पोस्ट है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें से जिम्मेदारी वाली पोस्ट होती है, और दोस्तों अनुशासित मतलब कि अनुशासन में रहने वाली पोस्ट होती है, और इस वजह से ना सरकार है ना RAS बनने के काफ़ी ज़्यादा चरण है ना रखे जाते हैं इसके अलावा, और काफ़ी ज़्यादा सरकार मेहनती और योग्य जो होते हैं ना RAS होते हैं ऑफिसर, उनको मिल सकें, इसलिए वो ऐसा कुछ करती हैं। तो दोस्तों इसके अंदर बताना चाहूँगा कि अगर आप RAS ऑफिसर बनना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आपको मेहनत काफ़ी करनी होगी, काफ़ी ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस वगैरह होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा आपको जो है तैयारी वगैरह करनी पड़ेगी एग्ज़ाम वगैरह की, और दोस्तों फिजिकल फिटनेस भी आपकी सही होनी चाहिए, तब कहीं जाकर आप एग्ज़ाम वगैरह के लिए तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आप स्वस्थ होंगे तभी तो आप प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए आपको आगे कैसे बढ़ना है, तो वो दोस्तों बात कर लेते हैं। अब इसके अंदर बात कर लेते हैं कि इसके अंदर आपको जो है क्वालिफिकेशन वगैरह आपको क्या चाहिए होती है। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि कोई भी मान्यता प्राप्त कोई विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी वगैरह होती है, उसके द्वारा आपके जो है ग्रेजुएशन की आपकी डिग्री कंप्लीट होना जरूरी है। अब जैसे आर्ट के स्टूडेंट हैं उनके BA की हो गया, साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए BSc हो गया, तो और BCom के हैं तो दोस्तों उनके लिए BCom की डिग्री होती है, या फिर जो कॉमर्स के हैं उनके लिए BCom की डिग्री होना जरूरी होता है। इसके अंदर जो एज की बात कर लेते हैं, यानी कि उम्र की बात कर लेते हैं, तो 21 से लेकर 35 साल की उम्र होना जरूरी होता है। इसके अंदर दोस्तों आपको क्या है कि RAS के लिए जो भी मान्य जो भी हैं उनके लिए परीक्षा वगैरह होती है, परीक्षा वगैरह होती है, तो दोस्तों उसके अंदर जो है मार्क्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा जरूरत होती है। वैसे तो बताना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी वगैरह आपने जैसे ग्रेजुएशन आपकी है, तो उतनी ज़्यादा आपको मार्क्स वगैरह पासिंग मार्क्स भी आपके हैं, तो भी आप ये अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं कि एज की बात कर लेते हैं, तो दोस्तों मैंने बता ही दिया है कि 21 से लेकर 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। और दोस्तों इसके अंदर जो है एज के अंदर क्या छूट वगैरह किस किस को दी जाती है, तो दोस्तों बताना चाहूँगा ST/ST जो कैंडिडेट होते हैं, मेल कैंडिडेट होते हैं, उनके लिए 5 साल की होती है, ST/ST जो फीमेल कैंडिडेट होती है उनके लिए 10 साल की होती है, और जनरल वुमेन होती है उनके लिए होती है 5 साल की, जनरल वुमेन यानी कि दोस्तों जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए होती है 5 साल की, और विडो यानी और डिवोर्स जो वुमेन है यानी कि दोस्तों जो विधवा है और जिनका डिवोर्स वगैरह हो चुका है, तो दोस्तों उनके लिए कोई एज लिमिट वगैरह नहीं है, वो आराम से इनका एग्जाम वगैरह फाइट कर सकती है। अब दोस्तों बताना चाहूँगा कि जो भी कैंडिडेट इसके अंदर जो अप्लाई वगैरह करना चाहते हैं, तो RAS की भर्तियां वगैरह इसके लिए निकाली जाती है, तो दोस्तों उसके अंदर जो है आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि दोस्तों RAS जो होता है इनका सिलेक्शन का जो प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले इनकी होती है प्रारंभिक परीक्षा, जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसके अंदर क्या होता है कि जो भी कैंडिडेट वगैरह होता है RAS बनना चाहता है, उसके लिए कैंडिडेट के लिए आवेदन करना होता है, ठीक है, RAS का आवेदन करना होता है, जो कि लोक सेवा आयोग होता है RPSC जो इनके द्वारा है ना प्रारंभिक परीक्षा ली जाती है, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं, यानी 200 नंबर के होते हैं। इसके अंदर क्या है कि 200 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, जैसे ही आपके मार्क्स वगैरह कैंडिडेट के अच्छे वगैरह आ जाते हैं, तो दोस्तों उनकी मेरिट लिस्ट के हिसाब से देखा जाता है कि ठीक है, जिन जिनके अच्छे मार्क्स हैं उनको क्या है कि नेक्स्ट जो मेन परीक्षा होती है, यानी कि मेन एग्जाम होते हैं, मुख्य परीक्षा होती है, उनके लिए उनको बुलाया जाता है। अब मुख्य परीक्षा की बात कर लेते हैं दोस्तों, इसके अंदर क्या है कि आपको सबसे पहले तो प्रारंभिक परीक्षा में पास होना काफी ज्यादा जरूरी होता है। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर क्या है कि 4 पेपर वगैरह होते हैं, जो 200-200 नंबर के होते हैं, यानी कि टोटल मिला के 800 नंबर के पेपर वगैरह होते हैं। अब इसके अंदर क्या है कि कैंडिडेट्स वगैरह सफल अच्छे से हो जाता है, तो दोस्तों उसके लिए उसको क्या है कि इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। अब जो भी कैंडिडेट परीक्षा पहले उत्तीर्ण हो चुके हैं, तो दोनों परीक्षा उनमें उत्तीर्ण है, ठीक है, उन्होंने पास वगैरह कर लिए, तो इंटरव्यू के लिए आपको बुला लिया। उसके बाद दोस्तों ऑफिसर वगैरह जो भी होते हैं आपके सामने बैठकर आपसे कुछ सवाल पूछते हैं, कुछ ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं, उनके सामने आप कैसे यानी कि कैसे आप उनको जवाब दे रहे हैं, तो दोस्तों उस हिसाब से आपको क्या है कि मार्क्स वगैरह देते हैं। इसके बाद दोस्तों बताना चाहूँगा
इसलिए बताना चाहूंगा कि जैसे ही आप ये एग्जाम वगैरह दे देते हैं, उसके बाद दोस्तों क्या है कि आरपीएससी जो होता है, लोक सेवा आयोग जो होता है, उनके द्वारा क्या है कि मेरिट लिस्ट जारी की जाती है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो भी कैंडिडेट का सिलेक्शन वगैरह इसके में होता है, तो दोस्तों उनके नाम वगैरह उसके अंदर होते हैं, तो दोस्तों उनके जो भी रैंक वगैरह है उनके हिसाब से जो भी आरएएस ऑफिसर है, तो दोस्तों उनके लिए जो भी पद वगैरह होते हैं, पोस्ट वगैरह होती है, उनमें उनको चयनित कर दिया जाता है, नहीं दोस्तों वो जो पोस्ट वगैरह दे दी जाती है, तो दोस्तों उस हिसाब से मेरिट लिस्ट के में रैंक के हिसाब से उनको पोस्ट वगैरह दे दी जाती है। तो इस तरह से क्या है कि आप आरएएस ऑफिसर बनकर अपना जो करियर जो है बेहतरीन बना सकते हैं, पर लेकिन दोस्तों आपको मेहनत करनी होगी, कंपटीशन का जमाना है, तो कंपटीशन काफी सारा लड़ना होगा। और दोस्तों कोचिंग वगैरह में आप अप्लाई वगैरह कर सकते हैं और कोचिंग वगैरह ले सकते हो, दोस्तों आप काफी ज्यादा मेहनत करके आप आरएएस ऑफिसर भी बन सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके सामने ऐसी वीडियोस लेकर आते रहता हूँ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।